हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मैट बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये रेड कलर की बोल ली है, 3.5 मिलीमीटर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। देखिए, मैं बनाती हूँ। रेड कलर लेने के बाद इस तरह से मैं रिंग बनाऊंगी। ये रिंग मैंने बना ली है। अब रिंग बनाने के बाद मैं इसमें 3 की चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से डालना है डबल क्रोशिया। देखिए, इसमें मैं 17 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, अब मैंने इसमें ये 17 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और 3 की चेन को मिलाकर हो गए हैं इसमें 18 डबल क्रोशिया। 18 डबल क्रोशिया अब इसमें मैंने रिंग में डाल दिए हैं। अब रिंग को मैं इस तरह से टाइट कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से रिंग को मैंने ये टाइट कर दिया है। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये आ गई है रिंग। देखिए, मैं इसकी सेकेंड रो बनाती हूँ। 1, 2, 3 और ये 4, 4 की चेन और देखिए डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से फिर 1 चेन और डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी रिंग में 1 चेन 1 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए, 1 चेन और देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से आई है रिंग बनकर। अब 1, 2, 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया डाले हैं मैंने ये चेन में। फिर यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए, वन और एक ये 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए, चेन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाले हैं, ये डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। ये है 2 डबल क्रोशिया। देखिए, अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए, अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से मैंने अब ये रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए, मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1, 2, 3 और ये 4, 4 की चेन और देखिए डबल क्रोशिया,
बन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। वन चेन लेना है और नीचे से बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। वन चेन लेना है और नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। वन चेन लेना है और नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए चेन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर डालना है 1 डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये चेन है, इसमें डालना है 2 डबल क्रोशिया। अब ये है डबल क्रोशिया, इसकी चेन में डालना है 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे डालूंगी मैं 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये बनाई थी रो इसी तरह से डालना है इसमें। देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। बनानी है अब 1 2 3 4 4 की चेन और देखिए 1 चेन को स्किप करना है और ये नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। मैंने ये 1 चेन स्किप कर दी है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डाल दिया है। फिर 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया को डालना है। 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। वन चेन लेना है, नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए बन चेन और डबल क्रोशिया, बन चेन डबल क्रोशिया डाले हैं और नीचे से भी मैंने बन चेन को स्किप किया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर डालना है 1 डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया, यहाँ पर डालना है 1 डबल क्रोशिया। टू डबल क्रोशिया, डालना है 1 डबल क्रोशिया। जैसे मैंने इसमें डाले थे, इसमें डाले थे, वैसे मैं इसमें डाल रही डबल क्रोशिया।
देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है, अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, 1 2 3 4, 4 की चेन और बन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है। बन चेन लेना है, बन चेन लेना है और नीचे से भी बन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। बन चेन लेना है, नीचे से भी बन चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। बन चेन लेना है, नीचे से बन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालती हुई रो को कंप्लीट करना है। देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, इस तरह से बनानी है, 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए 1 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें 1 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशिया, चेन में 2 की जगह 1 डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ पे मैंने चेन में 2 डबल क्रोशिया डाले हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और अब यहाँ डालने हैं चेन में 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए 1 1, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है, देखिए देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये आ रहा है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, इस तरह से बनानी है, 1 2 3 4, 4 की चेन और देखिए 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। वन चेन लेना है और नीचे से 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेना है, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेना है, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ये डाले हैं नीचे बन चेन, 1 डबल क्रोशिया, बन चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये भी इसी तरह से डाल रही हूँ। अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं देखिए इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए नेक्स्ट रो बनाती हूँ, 1 2 3, 3 की चेन और देखिए यहाँ डालना है 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक साथ मैंने ये चेन में 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे डालूंगी मैं 1 डबल क्रोशिया, फिर चेन में डालूंगी इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डालना है 1 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। हो गए 2 डबल क्रोशिया,
फिर वन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएंगे ये, देखिए इस तरह से मैंने ये अभी रो कंप्लीट कर दी है। डबल क्रोशिया डाले हैं, देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ। बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से बनाना है बॉर्डर, 1 2 3 4 5 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बी स्टिच डाल दिया है। अब 1 2 2 की चेन, अब देखिए 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। फिर 1 2 2 की चेन लेना है, फिर 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है, बी स्टिच डालना है। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। फिर 1 2 2 की चेन लेना है और नीचे से 2 चेन को स्किप करना है, वो थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 चेन लेना है, नीचे से 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में बी स्टिच डालना है, बी स्टिच डालना है। देखिए इसी तरह से बी स्टिच डालने हैं और पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है, बी स्टिच डाले हैं। देखिए देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, आगे की रो बनानी है। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 4 डबल क्रोशिया। वी स्टिच के अंदर मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 की चेन और इस भी स्टिच के अंदर भी 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 2 की चेन और 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वी स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है और यहाँ पर बीच में डालना है 2 की चेन। ये देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। टू डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। देखिए अब देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और बीच में 2 की चेन, फिर यहाँ भी 2 की चेन। इस तरह से मैंने ये रो बनाई है, कंप्लीट करती है। देखिए अब इसकी मैं लास्ट रो बनाती हूँ। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 की चेन और यहाँ पर देखिए इस तरह से चेन में लेकर बुनना है। देखिए और फिर से 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 7 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने ये 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए 1 2 2 की चेन, अब देखिए इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है। देखिए
फिर 1 2 टू की चेन और 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 की चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया और टोटल हो जाएंगे ये 7 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है इस तरह से, फिर 1 2 की चेन और 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 फिर 1 2 3 4 4 की चेन, इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, वो 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। देखिए इस तरह से 7 7 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब 1 2 2 की चेन, इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर 1 2 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है, देखिए यहाँ पर मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये मैट भी मैंने कंप्लीट कर दी है। थाल पोस, आप इसको थाल पोस भी बना सकते हैं और मैट भी। देखिए इस तरह से आया है इसका ये बॉर्डर बनकर। अब ये मैट कंप्लीट हो गया है थाल पोस। आप इसको मैट और थाल पोस दोनों बना सकते हैं, मैट भी बना सकते हैं और थाल पोस भी। देखिए ये थाल पोस अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।